हम लोगों ने एलसीएम और एससीएफ को पढ़ लिया था, आज इसके थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। एलसीएम एससीएफ के जो बचे हुए प्रश्न हैं उसे हम सॉल्व करा के आपको वीडियो उपलब्ध करा देंगे, जहां से आप देख के देख लेंगे। ये सॉल्व करने का तरीका दूसरा होता है, मैं बाय मेथड पढ़ा दिया, लगवा दिया, आपने सॉल्व भी कर लिया। अब जो हम लोग को पढ़ना है वो ये देखना था कम समय में कैसे प्रश्नों को सॉल्व किया जाए। गणित आना, गणित पढ़ना बहुत बड़ी बात नहीं होती, गणित में स्कोर करना बहुत बड़ी बात होती है, कम समय में ज़्यादा स्कोर करना। गणित सब पढ़ते हैं, गणित सब पढ़ाते भी हैं, लेकिन हमें जो करना है हमें कम समय में ज़्यादा स्कोर करना है। एक अध्याय दूसरे अध्याय से कहीं ना कहीं आंतरिक जुड़ा होता है, मैं प्रारंभ से ही बताता आ रहा हूँ। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम क्या, आपका वर्गमूल और घनमूल। वर्गमूल घनमूल के लिए कुछ कुछ बातें नोट करते चलिएगा और कुछ बातें याद करना होगा। अन्य विषयों की तरह गणित को भी कुछ चीज़ें है जो आपको रट्टा मारनी है, अगर रट्टा मारते चलेंगे आपके लिए गणित बेहद आसान होती जाएगी। पॉइंट नंबर एक, सबसे पहले किसी संख्या का वर्ग कैसे होता है और वर्गमूल क्या होता है, मैंने दिए गए संख्या का उसी संख्या में यदि गुणा कर देते हैं हमें उस संख्या का वर्ग प्राप्त हो जाता है। किसी भी दिए गए संख्या, किसी भी दिए गए चर या चर राशि में उसी चर या चर राशि का गुणा करने पे प्राप्त जो परिणाम होता है वो उसका वर्ग होता है। ठीक, किसी भी प्राप्त परिणाम का, अब आगे देखते हैं हम लोग, जैसे एक कंडीशन ही हो गया, दूसरी कंडीशन में हम देखते हैं जिसे किस संख्या का वर्ग याद करना, जैसे हमें 75 का वर्ग याद करना, क्योंकि देखिए आप बचपन से पढ़ते हैं, ऐसी बात नहीं है पहली बार हमसे यहाँ पढ़ रहे हैं, कुछ चीजें आप जानते हैं। 75 का वर्ग करने के लिए पहले 5 का वर्ग करेंगे, 5 का वर्ग कितना होता है, और 7 का वर्ग, तो 7 के बाद क्या आता है, तो 7 गुणा 8 में करिए 7 8 56, ये क्या हो गया, ये इसका स्क्वायर हो गया। ठीक, अगर ऐसे स्क्वायर निकालना होता तो हम क्या करते, 75 गुणे 75 करते, लेकिन हमें क्या हो गया इसका स्क्वायर पता हो गया। फिर आगे देखते हैं, कोई संख्या लेते हैं, जैसे लेते हैं 95, इसका स्क्वायर ज्ञात करना है, 5 का स्क्वायर 9 के बाद क्या आता है 90, इसका स्क्वायर क्या होगा 9025। ठीक, ये ट्रिक है, स्क्वायर निकालने का तरीका है, किसी भी संख्या का स्क्वायर ज्ञात करना है आराम से, कुछ सेकंड, 3 से 4 सेकंड भी नहीं लगेंगे, मुश्किल से 2 सेकंड में आप निकालेंगे। अब जैसे लेते हैं 45 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 4 के बाद क्या आता है, उसे गुणा करते 4 5 तो आप 45 का अगर हम स्क्वायर करके देखते हैं 45 गुणा 45 करेंगे तो आपको यही डिजिट प्राप्त होगा। ठीक, हाँ जैसे आपने 65, ठीक, तो 5 का करेंगे कितना हो जाएगा 25, 6 के बाद क्या आएगा 6 7 4225, हो गया, इसको लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, आपका समय बच जाएगा। किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने तो उसकी इकाई का अंक 5 है, तो दिए गए संख्या की इकाई का वर्ग निकालने के बाद बची हुई दहाई की संख्या की अगली संख्या से गुणा करके लिख देते हैं, प्राप्त संख्या परिणाम क्या होगा, दिए गए संख्या का वर्ग होगा। जैसे 115 का स्क्वायर निकालना है, 5 का स्क्वायर 11 गुणे 12 करेंगे 132। ठीक, समय बच गया आपका 13225। नहीं समझ में आया, अब निकाल लीजिएगा, दो अपने मन से तीन डो मोबाइल पे चेक भी करते रहिएगा, क्या पता सही है गलत है। आराम से लिखते चलिए, 85 का निकालिए, 45 का, जिसकी इकाई का अंक 5 होना चाहिए, टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, यूनिट डिजिट 5 होना चाहिए, इकाई का अंक 5 होना चाहिए, 5 है तब निकाल लेंगे, तो उसके दूसरा विधि है, दूसरी विधि है, तब ये सिंपल विधि है एक लाइन की, ये हो गया, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं ना, मिटा दिया जाए। अब 35 का निकाल बताइए कितना आएगा, 35 ठीक, 35 35 का स्क्वायर क्या होगा, 85 का, हाँ मतलब आप लोग के कॉन्सेप्ट समझ में आए। अब आते हैं आगे, अगर इसके अलावा, ये तो इकाई का 5 है तब का तरीका हो गया, अगर इसके अलावा कोई संख्या दी गई तब, तब के लिए कुछ बातें जानने योग्य है आपको। मुझे तो ज्ञात है कि 1 से लेकर 9 तक का वर्ग सबको याद होगा, 1 का क्या है, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का, 5 का, 6 का, कोई डिजिट बोलिए यार, 84 का स्क्वायर निकालना है, 84 का स्क्वायर निकालना है, 84 का, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, एक अंक छोड़ देंगे, एक अंक, फिर इसी का गुणा इसी में करेंगे, मतलब 2 ab से गुणा करेंगे, मतलब 8 4 32 गुणे 2 64,
लिख दीजिए, यहाँ हो गया जोड़ दीजिए 6 4 1 5 6 4 10। ठीक, कोई दिक्कत? 89 का स्क्वायर निकालना है। कुछ नहीं करना है, 9 स्क्वायर 81, 8 का 64, डीजी छोड़ दिया, 9 8 72 2 144, 1 8 4 12 4 4 8 1 9 6 7921। और कई तरीके निकालने का, लेकिन एक एक करके बता रहे आपसे, आपको वही बता रहे ताकि आपका समय कम लगे और आप करते जाए। आराम से लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 67 67 का निकालिए, 67 67 का। सिक्सटी सेवन का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? 7 7 49 6 7 36, फिर 6 7 42 2 84 ऐड कर दिया, 9 8 हाँ जो भी हो, मतलब जितना आपका हाथ बढ़ता जाए उतनी स्पीड आती जाएगी, मैंने जितना प्रैक्टिस करें उतनी स्पीड बढ़ती जाएगी। ये आपके ऊपर है स्पीड कितनी लानी है, जितनी स्पीड करना है उतनी प्रैक्टिस करते जाइए, जो जो प्रैक्टिस करते जाएंगे स्पीड आपकी बढ़ती जाएगी। हो गया, कोई दिक्कत, कोई समस्या लग गया? चलिए निकालिए 74 का 74 का स्क्वायर निकालिए, 74। निकल रहा चुटकियों में, 3 सेकंड लगेगा मुश्किल से, ऐसे गुणा करते 2 अंक 2 में गुणा करना पड़ता। हो गया, लेकिन इसमें एक समस्या भी आएगी, अभी देखते हैं कैसे आप लोग फंसेंगे भी। 74 का स्क्वायर कैसे निकाला आपने? 4 का 16 7 7 49 7 4 28 2 56, 1 अंक छोड़कर ऐड कर देते हैं, 6 6 7 9 5 14 4 1 5 5 4 76। ठीक, अब 83 का निकालिए, 83 का स्क्वायर चेक करिए कैलकुलेटर पे, देखिए सही है। आपका सही है, आप लोग कितने हैं? 68 89 कैसे? अब जैसे यहाँ 83 निकालना है, आपने क्या किया, 3 का स्क्वायर, लेकिन याद रखिए मेरा जोड़ा रहना चाहिए, 2 अंक 1 नहीं 2 अंक होना चाहिए, 2 अंक नहीं है तो यहाँ पे 0 लिख देंगे, फिर 8 8 64, फिर 8 3 24 2 48, 9 8 8। बासठ का बस आपको तुरंत निकालना है, 04 62, हाँ 36, फिर क्या रहा है 62, 6 2 12 12 2 4 4 8 3। आपके ऊपर है कितना प्रैक्टिस कर ले जाते हैं, जितनी प्रैक्टिस करेगा उतनी सरल। 62 का स्क्वायर, अब आपके ऊपर है कितना ज्यादा, जितनी ज्यादा आप
इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतनी स्पीड आपकी बढ़ती जाएगी। अभी आपके ऊपर है आप कितनी इसकी प्रैक्टिस करते हैं, कितनी स्पीड तक जा पाते हैं। आपके ऊपर है कितना जा सकते हैं, भाई मैंने कहा ना आपके ऊपर है। हाँ ठीक हो गया। अब एक तरीका अभी हो गया, बात खत्म, उसके बाद बाकी तो मेथड आप जानते ही हैं। समय बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं किसी भी टॉपिक पे। अब आते हैं आगे हम लोगों को क्या करना है। इसके बाद आपको एक से लेके तीस तक का पहले वर्ग याद करना है, एक से लेके तीस तक का। जैसे एक का स्क्वायर जो भी है आपको पता ही है, दो का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर, चार का स्क्वायर, पांच का स्क्वायर, छः का स्क्वायर, सात का स्क्वायर, आठ का, लिखते चलिएगा आप लोग भी काम देगा, नौ का स्क्वायर, दस का। एक समानता दिखाई दे रही है अगर आप लोग ध्यान से इसमें देखेंगे, ऊपर अगर इसको छोड़ दिया जाए दस तक, तो एक का स्क्वायर एक इकाई का नौ का एक, इधर दो का, इधर आठ का, इधर तीन का, इधर सात का, चार का, छह का, इन सबके आपस में इकाई के अंक स्क्वायर का सेम है। इस तकनीकी का भी यूज कर सकते थे हम लोग, लेकिन आपको समस्या हो जाएगी क्योंकि आप लोग को थोड़ा लंबा पढ़ाना पड़ेगा। आप किसी भी, इतना चीज़ पता हो जाए, आप किसी भी संख्या का, दिए गए संख्या का वर्गमूल चुटकियों बता देंगे। अभी तो वर्ग निकालना बता रहे थे, वर्गमूल। लेकिन ये मेथड थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप कोई भी नंबर दिया है आप तुरंत बता देंगे ये किस संख्या का वर्गमूल है, इसका वर्गमूल क्या होगा। लेकिन अब उतना आपके पास समय नहीं है गणित को सीखने का, अब आपको गणित स्कोर करने का समय आ गया क्योंकि आपकी परीक्षा तिथि निश्चित हो गई है क्रमशः 8 और 22 दिसंबर। इसलिए अब आपका समय वो नहीं रहा कि गणित को सीखें। ये हो गया कहानी पूरी इतनी, आगे बढ़ा जाए। हाँ चलिए भैया अपनी गलती स्वीकार कर। हाँ समझ, लेकिन सबको पता, ऑनलाइन वालों को भी पता है कि हमें जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं आता। आप लोगों को कई बार इन लोगों को बता चुके हैं कि हम जब पढ़ाते थे सोचते कुछ और, तब लिखते कुछ और है, कई बार सब गलतियां होती हैं। ये हो गया। अब हम आते हैं 30 तक का, 11 का लिखते चलिए, याद करके आना है, कल आपको याद करके आना है। हाँ 11 का लिखते चलिए, 12 का, हाँ 12 144 सही है, 13 का, हाँ सही है, 14 का 196, जिसको नहीं याद हो लिखता चलिए, 14 का 196, 196, 15 का 225, 15 का स्क्वायर 225, 16 का 256, चलिए याद है, चलिए अच्छी बात है, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400, 21 का 441, 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625, जिसके क्या क्या 5 है, 5 5 25 3 2 6, 26 का 676, 26 का 676, 27 का 729, 28 का 784, 29 का 941, 30 का 900, 31 का 961, 32 का 24, बस जाने दीजिए इससे ज़्यादा, बस 30 तक याद करिए। वैसे आपको 50 तक आपको भी याद करना है, लेकिन 32 का, अरे नहीं देखते, 841, 31 का 841, 841, 900 लिखवा दिया देगा, 841,
चलिए हो गया। अब घन लिखिएगा, किसी संख्या घन कैसे निकालते हैं, घन याद कर लीजिएगा आप लोग, ये तो वर्ग हो गया आप घन, क्योंकि एक प्रश्न आपसे ऐसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से किस संख्या की इकाई कण, ये वर्ग हो ही नहीं सकता या घन हो ही नहीं सकता, उस दशा में आपको कम से कम एक से लेकर 10 तक का याद रहना चाहिए ताकि आपको ये पता हो जाए कि किस संख्या का स्क्वायर और घन नहीं हो सकता। उस पर भी अभी बात कर लेते हैं। घन याद करते हैं, घन माने एक घात तीन, माने एक गुणे एक गुणे एक तीन बार, एक का घन दो का घन आठ, तीन का घन चार का घन चौसठ, पांच का घन 125, छः का घन 216, सात का घन 343, आठ का घन 512, कौन बोला सही बोला, नौ का क्यूब 11 का 10 का क्यूब, एक बात एक दिन दो, फिर आ गया आपका कितने का 11 का क्यूब 13 31, 12 का क्यूब 1728, 1728, 13 का क्यूब 2197, 14 का क्यूब 2744, 15 का क्यूब 3375, 16 का क्यूब 4096, बात किया है। एक तो कैसे लीजिए सबसे ज़्यादा पूछता है, कैस का 9261 लीजिए, बाकी बीच का छोड़ दीजिए। ये आपको याद होना चाहिए, एकदम रटा होना चाहिए, अगर ये आपको याद है आगे आपको गणित एकदम आसान लगेगी। आपको गणित अगर वास्तव में आसान करना है तो घन आपको पूरा याद होना चाहिए, वर्ग और घन, कम से कम ये 30 तक का घन और 30 तक का 50 तक का वर्ग एकदम रट्टा मार दीजिए। खाना खाते समय, नहाते समय, उठते समय, बैठते समय, सोते समय हमेशा याद कर लीजिए। आपकी जिम्मेदारी है कैसे आपको इसे याद करना। इसके बाद आप कुछ प्रश्न यहाँ से ही बना लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हमने देखा एक का जो स्क्वायर होता है वो एक, दो का स्क्वायर चार, तीन का स्क्वायर नौ, चार का स्क्वायर 16, पाँच का स्क्वायर 25, छः का स्क्वायर 36, सात का स्क्वायर 49, आठ का स्क्वायर 64, नौ का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। अब दोनों में से एक प्रश्न ऐसा है जो पूछा जाता है परीक्षा में, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी संख्या है जिसका वर्ग किया जाए तो उसकी इकाई का कभी नहीं हो सकता। हमने देखा जीरो है, एक है, दो एक ऐसी संख्या है जिसमें किसी संख्या का वर्ग करेंगे दो नहीं आया है। दो आया है, देखिए किस संख्या का वर्ग किया जाए इकाई का स्थान पर कहीं देखिए दो आया है, दो, ये प्रश्न पूछे गए हैं आपके, इसीलिए आपको लिखवा दे रहे हैं दो। देखिए यहाँ पे तीन है कहीं वर्ग करने इकाई का, तो तीन माने किस संख्या का वर्ग किया जिसकी इकाई का दो तीन कभी नहीं सकते। चार है, पांच है, छ है, सात है, देखिए सात कहीं है, सात नहीं है, आठ है, नौ है, जीरो है ही है। तो किसी भी संख्या का तीन तीन छह होता है, चार दस अंक होते हैं पूरा, दासी प्रणाली को दस अंक हो गए, माने किसी भी संख्या के यदि स्क्वायर किया जाए उसके इकाई अंक ये कभी नहीं सकता, ये माने दो तीन सात आठ कभी नहीं हो सकता, इसे लिख लीजिएगा नोट बना के। किसी संख्या का यदि वर्ग किया जाए तो उसके इकाई अंक कभी भी दो तीन सात आठ नहीं हो सकता। वैसे आप करके भी चेक कर सकते हैं, दोनों तरीका आपके पास, कभी भी किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता। हो गया। अब आते हैं घन में, आते हैं
निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा अंक है जिनके घन करने पे एकाएक अंक कभी नहीं सकता? इसको इरेज कर दे उधर वाला। जीरो तो होगा हमेशा, जीरो होगा, एक होगा, यहां भी दो नहीं होगा, दो नहीं हो सकता। की संख्या घन किया जाए दो कभी नहीं हुआ है। अच्छा दो है, 512 है, मतलब जो वहां है वहां देखिएगा, यहाँ जीरो हुआ, एक हुआ, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार भी है, पांच भी है, छह भी है, सात भी है, आठ भी है। वाह भाई, माने की संख्या का घन किया जाए तो इकाई का अंक कुछ भी हो सकता है। एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ और जीरो। मैंने किसी भी संख्या का घन किया जाए उसके इकाई अंक जीरो से लेकर तक में कोई भी अंक हो सकता है, जबकि वर्ग में ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है। यहां से कोई समस्या आपको? अब यह अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो, इसके बाद हम लोग एक टॉपिक छोटा सा पढ़ेंगे, किसी संख्या के इकाई अंक कैसे ज्ञात करें, फिर उसके बाद वर्ग और घन की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि इसी के जस्ट बाद आएगा। तो अगर यहां समझ में आ गया हो तो हम आगे बढ़े। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत आप लोग को? वर्ग निकालना हुआ तो निकालने वाला मेथड है, उसका भी तरीका ट्रिक, लेकिन ज्यादा ट्रिक इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि हमें सिलेबस को कवर करना है 1.5 महीने के पहले, ताकि आपको 20 दिन मिल जाए 25 दिन रिविजन करने के लिए। इसलिए हम थोड़ा तेजी से बढ़ना चाह रहे हैं, आपकी इच्छा रहेगी तो इसको तोड़ के बढ़ाएंगे। अब इसको केवल इसी की वर्ग निकालने की, वर्ग पकड़ने की एक एक घंटे की वीडियो बन सकती थी, क्लास चल सकती थी, लेकिन हम अभी नहीं चला रहे। ठीक, यह कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका? आगे बढ़े अब। चलिए यहाँ से ये खत्म हो, इसके बाद हम लोग निकालेंगे किसी संख्या की इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं, और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या नहीं है ना? आगे बढ़ा जाए।